द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर रिस्पेक्ट्स एब्सोल्युटली द सेंटर एज वेल एज द पेरिफेरी, स्पिरिट एज वेल एज द बॉडी. ही इज सो रिस्पेक्टफुल टू लाइफ दैट ही सीज गॉड इन ए मैन एंड गॉडेस इन ए वूमेन एंड गॉडलीनेस एवरीवेयर. सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने केंद्र का भी उतना ही सम्मान करता है जितना परिधि का, और अपनी चेतना का भी उतना ही जितना अपने शरीर का. वो जीवन के प्रति अतिशय सम्मान से भरा होता है. वो एक पुरुष के भीतर परमात्मा देखता है और एक स्त्री के भीतर देवी आदि शक्ति को देखता है, और जो भगवत्ता है उसे हर ओर देखता है. जीवन के अखंडित प्रवाह के सम्मान का सूत्र है. ध्यानी के जीवन में कोई बंटवारा होना नहीं, क्योंकि कोई भी बंटवारा होगा वो पीड़ित करेगा व्यक्ति को. केंद्र और परिधि दोनों संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं. तो केंद्र महत्वपूर्ण है, परिधि भी महत्वपूर्ण है. जैसे कोई वृक्ष है तो उसकी जड़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्हीं से वो जिंदा है. लेकिन वृक्ष की जो शाखाएं प्रशाखाएं हैं, अभिव्यक्तियां हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक रूप में तो व्यवहारिक उपयोगिता में वही हमारे सामने आई हैं. तो ध्यानी का जीवन बहुत ही व्यवहारिक उपयोगिता का होता है. अगर व्यवहारिक रूप से हम किसी चीज़ को न समझ सकें तो फिर कोई उपयोग भी नहीं. केंद्र हमारा सेंटर, हमारा सोर्स, हमारा स्रोत, हमको उधर जाना है, उसको समझना है, अनुभव करना है, उसका सम्मान करना है पूरा. लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से जो शरीर बना है उसी से पूरा जीवन चलना है, पूरी व्यवहारिक उपयोगिताएं घटनी है, तो उसका भी उतना ही सम्मान. शरीर का कोई इनकार नहीं, दमन नहीं, शरीर के प्रति कोई संघर्ष नहीं. इसी तरह सूत्र कहता है कि वो अपनी चेतना का सम्मान करता है, शरीर का सम्मान करता है, केंद्र और परिधि का सम्मान करता है. तो ये जो परिधि का अर्थात जो बाहर प्रकट हो गया है, वो सारी चीज़ें उनको देख लेना है. तो ये हो गया एक अखंडित प्रवाह, कि जो बाहर है भीतर है दोनों जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी को कम करके आंकना नहीं है. कोई है उसको जीवन देने वाला, सक्रियता देने वाला, और कुछ है उस जीवन को व्यवहारिक उपयोगिता में ढालने वाला. तो इसलिए दोनों अतिशय महत्वपूर्ण और अतिशय सम्माननीय है. सूत्र कहता है कि वो इस तरह से अपने भीतर सम्मान से भरता है जीवन के प्रति, कि स्त्री और पुरुषों को दिव्यता के एक रूप की तरह देखता है, जिसको भारत में हम शिव शक्ति कहते हैं. शिव शक्ति का अर्थ है जो पुरुष है शिव रूप है और जो स्त्री है वो शक्ति रूप है. अर्थात इसमें कोई अंतर नहीं है शिव और शक्ति का, ये केवल शक्ति के दो रिप्रेजेंटेशन हैं, दो अभिव्यक्तियां हैं, उसी चेतना के दो अभिव्यक्तियां हैं. कुल मिलाकर जो सूत्र कहता है कि वो हर तरफ भगवत्ता को देखता है. अब भगवत्ता हर तरफ है, गॉडलीनेस हर तरफ है, तो वो पुरुष शरीर हो स्त्री शरीर हो उसमें भी वैसे ही प्रकट हुई है. बाकी हर जगह कुछ भी उससे बाहर नहीं है. तो उस गॉडलीनेस से, उस भगवत्ता से पूरे जीवन को भरा हुआ जानना, ये कितना सुंदर है और कितना आह्लादकारी है, उल्लासपूर्ण है. क्योंकि अगर हम ये देखें कि जीवन ऐसे बेकार की बातों से भरा हुआ है, व्यर्थ से भरा हुआ है, तो ये जीवन को बोझिल बनाता है. और अगर हम ये अंतर्दृष्टि अपने अंदर ला पाएं कि जो कुछ भी है वो उस भगवत्ता का ही रूप है, क्योंकि वो जो परम चैतन्य है वही अनेक अनेक रूपों में प्रकट हुआ है. वो रूप कैसा भी हो, हमारी दृष्टि में वो कमतर हो, हमारी दृष्टि में वो बेहतर हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता. ये अच्छाई और बुराई, ये कमी और अधिकता,
ये सब हम निर्मित करते हैं, हम उनको व्याख्या देते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं। अस्तित्व की निगाह में कुछ भी कम और ज़्यादा नहीं है। तो अब जब इस अंतर्दृष्टि से ध्यानी जीता है तो उसका जीवन निश्चित ही एक बड़े उल्लास में बीतता है। और आपसी संबंध, क्योंकि आपसी संबंध तो व्यक्ति के स्त्री पुरुष, पुरुष पुरुष स्त्री ऐसे ही चलने हैं, परिवार के संबंध, समाज के संबंध, मूल अभिव्यक्तियाँ स्त्री और पुरुष के रूप में हैं। तो हम उनको भी जब उसी भगवत्ता का एक रूप देखते हैं, वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं ये बात अलग है। हम कहें कि कुछ दुष्ट हैं और कुछ बड़े सज्जन हैं, तो हम यही देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवत्ता दुष्टतापूर्ण ढंग से प्रकट हुई है और वहाँ पर भगवत्ता दिव्यतापूर्ण ढंग से प्रकट हुई, भी इतना ही अंतर है। अब वो जो गॉडलीनेस है या कहें चैतन्य, ये शब्द हैं, हम अलग अलग ढंग से उनका उपयोग करते हैं, वो तो किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, उसकी अभिव्यक्तियाँ तो अनंत हो सकती हैं। तो हमारा जो संघर्ष है काफ़ी हद तक विदा हो जाता है। अगर मान लो हम देख लें कि कोई हमारे जीवन में स्त्री है, पुरुष है, उसका व्यवहार अच्छा है तो भी हम उसका स्वागत करते हैं, और उसका व्यवहार अगर बुरा है तो भी हम उसका स्वागत करते हैं, ये जानकर कि ये भी उसी भगवत्ता का, उसी परम सत्ता का एक रूप है। इस क्षण शायद ऐसा ही होना होगा, ये इसी तरह से प्रकट होना होगा। तो व्यवहारिक रूप से हमारा बहुत सारा संघर्ष विदा हो जाता है, बेवजह का तनाव विदा हो जाता है, हम उसमें नहीं पड़ते। बाहर प्रकृति में हम यही अपनाते हैं लेकिन मानवीय संबंधों में नहीं कर पाते। अब मान लो हम बैठे हैं, अचानक बादल घेराए, बिजलियां गरजें, चमकें, बादल गरजें, जो भी है, तो हमको कोई उससे परेशानी नहीं है। अभी आसमान साफ था, अभी बादल घेराए, गरजे, बिजलियां चमकी, पानी बरसा, हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं ऐसे ही होना होगा, प्रकृति में ऐसा ही बदलाव आना होगा। तो ये भी तो उसी सोर्स, उसी स्रोत, उसी भगवत्ता का ही परिवर्तन है। मनुष्य के भीतर आने वाले परिवर्तनों को हम कई बार इस तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। तो अब अगर हम ये अंतर्दृष्टि ले आएंगे कि ये अभिव्यक्तियाँ उस शिव और शक्ति की ही हैं, उस गॉडलीनेस, उस परम सत्ता की हैं, तो हम उनके बदलते हुए रूपों को तो देखेंगे लेकिन उसके पीछे की भगवत्ता से अपने को दूर नहीं करेंगे। संघर्ष न्यूनतम हो जाएगा और कभी कभी संघर्ष विदा ही हो जाएगा, और जीवन का उद्देश्य ही, व्यवहारिक उपयोगिता में उद्देश्य भी यही है कि एक संघर्ष रहित, प्रवाहपूर्ण, अखंडित जीवन चलता रहे, जहाँ पर हम किसी भी बात को हीनता और उच्चता में नहीं बांटते हैं, पूरा सम्मान करते हैं और उसी सम्मान, सहजता और परिपूर्णता की दृष्टि से निरंतर हर क्षण में पूरी तरह डूबे हुए आगे चलते चले जाते हैं। Thank you.